सड़क सुरक्षा के प्रति आरटीओ ऑफिसर राम बाबू दोहरे इन प्रवक्ता के द्वारा बस ड्राइवर मोटरसाइकिल अन्य वाहन चालकों को किया गया जागरूक। बताते चले इस समय पूरा उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसी बीच आज तिरवा में इंद्रगढ़ तिराहा स्थित सैयद बाबा मस्जिद के सामने इंद्रगढ़ बस स्टाफ जनपद कन्नौज के आरटीओ ऑफिसर ने एक बैठक रखी। बैठक चाय के साथ संपन्न हुई। आरटीओ अधिकारी के द्वारा नागरिकों को जागरूक किया गया तथा यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई तथा अधिकारियों द्वारा नगरवासियों को आवश्यक जानकारी दी और बताया गया कि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। जब बच्चे जागरूक होंगे तभी किसी देश का विकास संभव है। अगर हमारे बच्चे संस्कारी और शिक्षित होंगे तो एक दिन अपना भारत संस्कारी भारत होगा। नागरिकों को बताया गया कि अपने बच्चों को यातायात से संबंधित जानकारियां जरूर दें तथा सबको बताया गया कि हमेशा रोड पर बाएं ही चलना है तथा दो पहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग करें। बस, ट्रक, कार, टेम्पो, ई रिक्शा पर सीट बेल्ट का प्रयोग करें तथा सभी लोग अपने समाज में तथा घर में लोगों को जागरूक करने का काम करें। इसी बीच लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की शपथ दिलाई गई। सभी पदाधिकारियों और चालकों परिचालकों ने शपथ ली। इस मौके पर सुबोध कन्नौजिया, लल्ला बाबू, बबलू ठाकुर, चंदर एजेंट आदि लोग मौजूद रहे। धर्मेंद्र पटेल की खास रिपोर्ट। सर आप किस जनपद से आरटीओ ऑफिस से आ रहा है? मैं आरटीओ इन प्रवर्तन राम बाबू दोहरे कन्नौज जनपद के सड़क हमारा जो सड़क सुरक्षा महा जी चल रहा है उसके अंतर्गत जो है बस यूनियन ऑपरेटर के माध्यम से टैक्सी चालक, बस चालक, बस के चालकों, परिचालकों को, आम आदमी को सड़क सुरक्षा नियमों प्रति जागरूक करना और उनको सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ दिलाए जाने का कार्यक्रम आज रखा गया था। जय हिंद। कितना दुर्घटना है और जिसमें जो लोग 236 लोगों की मौत हुई, ये बहुत बड़ी है कन्नौज जनपद के लिए। 2022 में जो है अभी दुर्घटनाओं की संख्या 437 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसे मरने वालों की संख्या 225 है, कुछ कम हुआ है, 16 लोगों की कम मौतें हुई। तो इन मौतों से कम होने से कुछ सजग हुए हैं लोग, यातायात नियमों का पालन करने लगे हैं या हमारी पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग बढ़ा दी गई। चेकिंग के कारण कुछ लोग हेलमेट लगाने गए, मौतों की संख्या में और घायलों की संख्या में गिरावट आई है, और दुर्घटनाओं की संख्या में दोनों गिरावट है। केवल कन्नौज जनपद है, अन्य उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है। तो हमें यातायात नियमों का पालन करना है, इसीलिए एक जागरूकता कार्यशाला रखी गई आपकी कि मोटर ट्रांसपोर्ट, आप चालक परिचालक सड़क पर रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि कोई दुर्घटना न घटे, किसी की मौत ना हो। जिस परिवार में मौत हो जाती है, हमने आपने सबने देखा होगा पड़ोस आज पड़ोस में, तो वहाँ देखिए कि एक परिवार का अगर एक व्यक्ति कमाने वाला चला गया वो परिवार 3 पीढ़ियों पीछे चला जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति कमाने वाला है उसके बच्चों की शिक्षा चली गई। अगर उसकी शादी मतलब बच्चे हैं, पत्नी भी होती, पत्नी विधवा हो जाती, उसकी स्थिति समाज में दयनीय हो जाती है। इसके बाद उसके माँ बाप वृद्ध हैं तो उनको कोई सहारा देने वाला नहीं होता, उनको खाना दवाई या उनको हॉस्पिटल ले जाने का, तो वो परिवार बहुत पीछे चला जाता है। जब उसके बच्चे होंगे उनकी स्थिति सुधरेगी, फिर वो अपने बच्चे आएंगे तो तीसरी पीढ़ी में उसका कुछ सुधार होगा। तो हमें जिम्मेदारी के साथ चलना चाहिए, जिम्मेदारी महसूस करना है कि हमारी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी है और देश के प्रति भी। तो हमारा सुरक्षित सफर हो, सुरक्षित प्रदेश हो, आपका जीवन अनमोल है, उसे सड़क पर यूं व्यर्थ न गंवाएं, उसको किस कार्य में लगाएं जिसमें देश का हमारा नाम गौरव हो। सुरक्षित सफर, सुरक्षित प्रदेश, सुरक्षित देश हो, एक अच्छे लीडर हो, अच्छे रोड यूजर्स हो, हमारा समाज में संदेश जाए कि हाँ इंडिया के लोग अच्छे सड़कों के चालक हैं। और हम लाइसेंस ले लेते हैं, हमें लाइसेंस प्रॉपर सीख लेना चाहिए, ये हमें ड्राइविंग आती है, 18 वर्ष के बाद लाइसेंस मिलता है। अब जब कॉमर्स ईयर तो 20 वर्ष में आता है, 19 एक साल बाद तो 20 वर्ष के लगभग मिलता है। तो कच्चे कुशल चालक होने के पश्चात ही बड़े वाहन में हाथ लगे। अब मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, 70% मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होते हैं, 70%। आप उन्हें मोटरसाइकिल हेलमेट जरूर पहनें और लापरवाही से ओवर स्पीडिंग ना करें और कम से 3 सवारी ना बैठा रहे, तो यही सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे यातायात तो हमारी सड़क दुर्घटनाएँ नहीं होंगी। धन्यवाद। और किसी को कोई क्वेश्चन, अंत में एक शपथ दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, शपथ।